अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ ईशान अली और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और पहला पॉडकास्ट मैं अपने घर से शुरू कर रहा हूँ। घर से मेरी मुराद ये है कि जो सबसे करीब मेरे लोग हैं, तो मैंने सोचा कि पहला एपिसोड पॉडकास्ट का उनके साथ होना चाहिए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं बग़ैर किसी डिले के द वन एंड ओनली मिस्टर जैन अली और जुहेब अली, जैन जुहेब कवाल, आप इन्हें जानते हैं और मुझे मज़ीद तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू माई पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया भाजी। जी बहुत हैं, आप शुक्रिया। सलामत रहें और बहुत शुक्रिया हमें यहाँ इनवाइट करने का। तो हमारा भी ये पहला ही पॉडकास्ट है, तो हम खुद पर्सनली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थे कि यार ये हो, और ऐसी जो है क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का बहुत सीन है। मैंने सोचा तो कि जो पर्सनल हमारी कुछ गुफ्तगू है, जो हम आमतौर पे अपने स्टूडियोज़ में बैठ के या हम जब पर्सनली मिलते हैं एक दूसरे से, जी तो जब हम जो बातें करते हैं वो पब्लिक को पता चलनी चाहिए कि हम सेपरेट बैठ के क्या बातें करते हैं। भाई तो मैंने शायद सोचा कि आपके साथ सारी नहीं पता चलेंगी। नहीं, सारी नहीं पता चलेंगी, बाकी हम काट देंगे, लेकिन बहुत सारी बातें आज करेंगे। सबसे पहले जैन और जोहेब, मुझे ये बताइए कि शुरू से शुरू करते हैं। जी भाई, मुझे काफ़ी हद तक उन मसाइल का अंदाज़ा है कि जो हमारे एज फेलो म्यूजिशंस को रहते हैं और उन बातों के बारे में वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। जी भाई जैसे कि मैं खुद भी, मैं किसी म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ चूँकि, तो जी मुझे इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का हमेशा जहन में आता था कि क्या एक नए म्यूज़िशियन को या ऐसे बंदे को जिसे म्यूज़िक करने का शौक़ है, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो शागिर्दी करे? पहले तो ये सवाल है, इसका आपने जवाब देना है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप किसी के शागिर्द हैं और अगर हैं तो किसके? तो आप मुझे इन दोनों सवालों अच्छा, का जवाब ये दें। पहली बात ये है कि इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है ये। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर हम करंट जो अभी दौर चल रहा है अगर उसके हिसाब से हम बात करें तो शागिर्दी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। अच्छा, शागिर्दी ज़रूरी नहीं है लेकिन सीखना हाँ, ज़रूरी है। बिल्कुल सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। वो अब बंदा किसी भी, जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपके पास कोई मांगने वाला आ जाता है और वो सुर में मांग रहा है, हो सकता है मेरे पास वो सुर नहीं है बिल्कुल लेकिन मैं सुन रहा हूँ उसको, बिल्कुल, और आप सीख भी सकते हैं लेकिन सुन। मैं सीख भी सकता हूँ उसके। शर्त ये है सिर्फ कि मेरे अंदर वो सीखने की वो जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, कि मेरे अंदर वो अनाड़ा नहीं होनी चाहिए कि यार बिल्कुल मैंने ये मांगने वाला मैं ही सीखूंगा, बिल्कुल सही, ये नहीं होना चाहिए मामला। वो बंदा किसी से भी सीख सकता है। ठीक है। तो हमारी नज़र में अभी जो करंट जो सीन है, आपके इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सबसे बड़े उस्ताद हैं भाई। बिल्कुल सही वहाँ बात पे है। सब कुछ है, पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पे। असल और में आप किसके शागिर्द हैं, ये भी सवाल था, ना हम अगर अगर हैं वो तो। प्रॉपर अगर देखें ना, जो गंडाबंद एक रस्म होती जी है वो नहीं है, ठीक है क्योंकि हमने अपने घर से ही सीखा है सारा, ठीक है। और दादाजी का पता है सबको, उस्ताद हाजी रहमत अली खान साहब उनसे सीखा है, ठीक है, और जो असल लर्निंग हमें हुई है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से हुई है, क्या बात उनको है। सुन सुन के। तो जैसे ही उनको पहली दफ़ा सुना तो एक कोई चीज़ क्लिक नहीं करती दिमाग बिल्कुल में कि यार शाह मर्दाने अली मैंने सुना था पहले। मुझे बचपन वाह, की वो एक याद छोटी सी है मेरे जहन, तो वो चीज़ें जैसे ही क्लिक हुई कि यार ये क्या है, तो उनको फिर सुनते 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 उनसे फिर सीखना शुरू किया। पहले बिल्कुल पता नहीं सही। था कि हम सीख रहे हैं, कि क्रेज़ होता था कि यार ये हाँ सब ने सरगम कही है तो वैसे भी कहनी है, बिल्कुल ठीक, ठीक कॉपी करने की है। कोशिश हाँ, करना। तो वो सरगम याद करते करते फिर उसकी थ्योरी पता चलनी शुरू हो गई। दादाजी ने जब देखा कि इनको शौक़ है बच्चों का, तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि ये इस राग में है, ये इस राग में है, ये प्रैक्टिस है इसकी। तो सीखा हमने इन हस्तियों से ही है। बिल्कुल ठीक। और सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, उसी दौरान जब ये मामला सारा शुरू हुआ था, बहुत छोटे थे और बड़ा, हाँ सबको सुना सारे मामला जो शुरू हुए, एक इंस्पायरेशनल जो एज होती है बच्चे की, उसी दौरान दादाबू ने देखा कि यार ये बड़ा सीन है। हालांकि अम्मी अबू, सीधी बात है, वो थे ग्रेजुएट थे, हाँ अम्मी भी और अबू ठीक भी, है। तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि हम ये करें, और बहुत सख्ती की उन्होंने कि अच्छा, एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग टाल यहाँ पे जाए। बात आप ऐड भी करना चाहूँगा जी कि जी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैन और जोहेब के जो दादाजी हैं, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन जिन लोगों को नहीं पता,
वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के कंपेनियन थे, बड़े बेहतरीन, और उन्होंने उनके साथ बहुत सारा टाइम भी गुजारा और बेशुमार दुनिया की जगहों पे परफॉर्म भी किया। इनका नाम उस्ताद हाजी रहमत अली था। बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैन और जुहेब के जो वालिद साहब थे उनका ताल्लुक गायकी की फील्ड से नहीं था। इसके बारे में मुझे बताएं कि अंकल क्या करते थे और यकीनन उनकी स्टडीज़ जो हैं वो बाकी ख़ानदान में बेहतर थी, उन्होंने बेहतर पढ़ाई कर रखी थी। मैं सॉरी, अबू जो थे वो अपने जो इराक के उनके जो कज़न थे हमारी फैमिली में पहले पढ़े लिखे बच्चे थे जिन्होंने इतना जो उनके ननिहाल की तरफ से जी उन्होंने तालीम उन्होंने हासिल की। तो पापा भी ग्रेजुएट थे और अभी मौला की तरफ से होता है कि अम्मी भी ग्रेजुएट थी। बिल्कुल। तो उनका एक शादी फिर उनकी हुई तो उस वजह से फिर उन्होंने हम पे सख्ती तरह की कि आपने जो भी करना है वो आपके बाद के मामला थे लेकिन पहले आपने स्टडी करनी है आपने। बिल्कुल ठीक। तो चूंकि स्टडी और आर्ट का एक जो एज होती है ना बच्चे की वो बड़ा एक मुखालिफ चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा टोटली आर्ट की तरफ जाता है तो उसका ध्यान जो स्टडी की तरफ नहीं लगता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक नेचुरली बात है। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि जब हम हमारे आगे जो साढ़े के इंस्ट्रूमेंट्स आए तो असी पढ़ना लिखना दूर दिखा उन्होंने देखना भी छोड़ देता से। तो अब मम्मी को बड़ा गुस्सा चढ़ता था इस बात पर। तो लेकिन दादाबू घर में हर चीज़ थी तो दादाबू ने ना साथ साथ हमें डोज देते रहना है ये करना है अब ये करना है। लेकिन पढ़ाई की तरफ भी हमेशा आपको माइल करते रहते। उस तरफ से हमें पढ़ाई मिल रही थी, इस तरफ से हमें म्यूजिक जो है सिखाया जा रहा था। बिल्कुल सही। तो ये दो, तो उसी दौरान फिर दादाबू ने जब मेरा तबला उन्होंने देखा कि यार ये तबले की तरफ ज़्यादा इसका ध्यान है तो मुझे उनके दोस्त थे जो कि बड़े सीनियर बुजुर्ग थे उस्ताद बाबा नसीब साहब जो कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के वालद साहब के साथ परफॉर्म करते थे। क्या बात है। फिर दादाबू ने उनका मुझे शिकायत कराया। मैं बड़ा बहुत बच्चा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो कौन सी हस्ती हैं। तब तो मैंने बस जैसे शौक में आके शागिर्दी कर ली। हाँ। और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाना डेली और दो घंटे देने मुझे और मुझे थ्योरी जो है तबले की वो लिखवानी उन्होंने और उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं बताया मुझे। उन्होंने अब समझ आता है क्यों नहीं बताया उन्होंने। वो मैं आगे आने वाली। अच्छा, ये एक उस्तादी और शागिर्दी की जो एक रस्म है और जो ये पूरा एक सिलसिला है जी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जी मिसाल के तौर पे मैं अपना अगर एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो मैं जब कॉलेज में आया नया नया तो मुझे सीखने का शौक था और सेम इसी तरह मेरे घर वाले एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। जी। लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं एज अ प्रोफेशन इसको, क्योंकि वो एक अलग पूरा टॉपिक है कि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वालदैन को और हमेशा इस चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल रखा गया है कि भाई ये हराम है कि हलाल है कि बहुत ज़्यादा, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है इस तरह। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी फील्ड ऑफ लाइफ से आप लोग एफिलिएट हों के जो आपको आगे फ्यूचर सिक्योरिटी देती है। आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आप मीडिया पढ़ लें, आईटी कर लें, कोई ऐसा काम कर लें। तो लेकिन चूंकि मुझे शौक था तो मैंने छुप छुपा के एक उस्ताद के पास में चला गया और मैंने शागिर्दी कर ली। तो मुझे जाके ये अंदाज़ा हुआ कि बड़ा सख्त किस्म का वो एक तरह का इम्तिहान होता है। अगर तो किसी बंदे के मिजाज में ठहराव नहीं है तो वो किसी उस्ताद का शागिर्द रह ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि वो अभी तक उसी पुराने दौर में जी रहे हैं जो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इस तरह पढ़ाई आम नहीं थी। जी, जी, जी। तो तब क्या है कि सिखाने के तरीके डिफरेंट होते थे। आप पहले अदब सिखाते थे, ऐसे ही। फिर बोलना चालना सिखाते थे, फिर उठने बैठने के आदाब सिखाते थे, फिर आप मौसीकी की तालीम देते थे, फिर उसको यूटिलाइज करना सिखाते थे। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक पूरा तरीका था जो कि बड़ा कामयाब था, लेकिन आजकल के दौर में वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। कैसे कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, पहले दौर में क्या होता था, किसी बच्चे ने माँ बाप ने किसी उस्ताद का शागिर्द करवाया और उनके हवाले कर दिया बच्चे। अब वो उससे काम भी करवाएंगे घर के, वो उसे उठना बैठना तमीज़ हर चीज़ सिखाएंगे अपने अंडर रखते हुए ना, कि जिस तरह का मिजाज उनका है। तो वो उसने सिर्फ एक काम करना है म्यूज़िक सीखने के लिए, किसी इंसान को फॉलो करना है। लेकिन अब मैं जिस दौर में शागिर्द हो रहा था उस वक्त मुझे कॉलेज जाना था, बिल्कुल ऐसी मुझे एकेडमी जाना होता था, मुझे स्टडीज़ का ख्याल रखना, उस दौरान मैं एक म्यूज़िक सोसाइटी को हेड कर रहा था, मुझे उसके मामला, मुझे कॉम्पिटिशन्स में जाना था। बिल्कुल। मुझे घर पे चूंकि मैं नहीं बताया हुआ था कि मैं सीख रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ भी मैनेज करनी थी। ठीक है। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों के साथ मैं उस तरह का शागिर्द साबित हो ही नहीं सकता जो पहले दौर में लोग हुआ करते थे। आपके ऊपर तो एक बर्डन है ना पूरा। बिल्कुल। हर चीज़ का
तो मेरे साथ ये मसला पेश आया कि बहुत सारी ऐसी बातें थीं कि जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। जी जी, जैसा कि ये कि आप जो हैं वो फोर्थ फ्लोर पे वो एकेडमी थी जिसमें मैं जाया करता था, तो मुझे वहाँ से पानी लेने भेजते थे वो एक जग के अंदर, उसमें वो जग के अंदर पानी लेके आना था और 3 से 4-5 ग्लास उसमें आते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब हर वक्त वहाँ 16-20 बंदे बैठे हुए हैं एकेडमी में, तो वो ये भी नहीं कि कोई बड़ा बर्तन दे के भेज दें। लेकिन बाय द टाइम मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझसे एक ही दफा क्यों मंगवा लें, क्यों ना मंगवा लें कि ये सब बैठे हुए हैं। तो मुझे बाय द टाइम ये समझ आया कि वो मेरे अंदर पेशेंस जो है वो मुझे सिखाना चाह रहे थे कि उस्ताद से कभी भी बदतमीजी या सवाल नहीं करना, बल्कि उस्ताद जो हुक्म देता है उसको पूरा करना। जी जी। लेकिन मेरी तरह सब नहीं समझ सकते। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जो मेरे साथ गए जरूर, लेकिन वो वहां से हफ्ते 2 हफ्ते में भाग गए, तो वो उस प्रोसेस को किसी तरह से हजम नहीं कर पाए, बिल्कुल, इसलिए वो सीख भी नहीं पाए। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आजकल के जो सातजा हैं, बाहर हाल क्लासिकल म्यूजिक एक आर्ट है, एक इल्म है, सीखे बगैर तो आ नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी हम यू नो के वो कर लें, तो एक उस्ताद उस्ताद ही होता है। लेकिन क्या आपको भी मेरी तरह ये लगता है कि उस्तादों को थोड़ा सा अंदाज तब्दील करना चाहिए बच्चों तक डिलीवर करने के लिए, जो रेलेवेंट हो, जो इस दुनिया के हिसाब से हो, ना कि वो उसी प्रोसेस के थ्रू बच्चों को इस तरह, बहुत सारे मेरे जैसे लोग मुतनफर हो सकते हैं। मैं तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो टाइम किसी तरह से गुजार लिया। आप क्या समझते हैं कि क्या असातिज़ा जो हैं, क्योंकि बहुत सारे, मैंने क्लासिकल की तालीम ली कुछ अर्सा, लेकिन मैं कभी क्लासिकल गाना नहीं चाहता था, ना मैं कभी क्लेम करता हूँ कि मैं कोई क्लासिकल सिंगर हूँ, मुझे सीखने का शौक था, तो जाहिर है मैंने अपनी बेहतरी के लिए वो सीखा। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या ऐसे, या आप ऐसे किसी उस्ताद को जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, कि जो क्लासिकल इल्म को आजकल के बच्चों को राइट तरीके से डिलीवर कर सकता है, या आप ये समझते हैं कि उनको तब्दीली लेके आनी चाहिए सिखाने के प्रोसेस में? ऐसे ही है जानवी, एजुकेशन हर दौर में चेंज हुई है, उसको सिखाने का तरीका चेंज हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हमसे पहले वो तख्तियाँ होती थी, हमारे दौर में किताबें थी, आजकल टैब्स वगैरह, बिल्कुल ऑनलाइन सारी आ गई स्टडीज। तो जैसा जैसा आप दौर के हिसाब से इस चीज़ को नहीं करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी। यानी कि आज के दौर में अगर आप, ये पानी वाली मिसाल है, ये बुजुर्ग भी देते होते थे कि पानी भरना पड़ता है सीखने, क्योंकि उस्ताद वो गड़ों गड़े, बिल्कुल, और उस वक्त पानी एक पूरी एक्टिविटी होती थी, पूरी है ना कहावत, हाँ बिल्कुल है, तो प्रैक्टिकल करते थे, करवाते थे वो उस्ताद, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि आपने, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो मॉडर्न दौर के हिसाब से जग में लेकिन भरा है, बिल्कुल ऐसा। तो ये है कि इसको थोड़ा सा आसान करके अगर आप ये देख लें कि उनको समझ कैसे आएगी, बेसिक तो मकसद यही है ना कि बिल्कुल बच्चे को समझ क्या आए, इंस्टीट्यूट से बच्चे बन के कुछ निकले ना, बिल्कुल सही, उस्ताद एक खुद इंस्टीट्यूट होता है, बिल्कुल, ये तो ना उसके बाद बच्चा कुछ बन नहीं आता, दूसरे दिन बच्चा उस्ताद से हाथ जोड़ के देखे सॉरी मैं नहीं करना। दूसरा ये है कि ऐन मुमकिन है कि किसी अच्छे बड़े अमीर घर से बच्चा जा रहा हो, और अमीर घरों पे बच्चों को ये आदत नहीं होती कि वो अपने घर के काम भी खुद करें, और एक ऐसी जगह जहाँ जाके उसे पांव भी दबाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना, खुद ही आपने बताया कि आप एक बिल्कुल नॉन म्यूजिकल फैमिली से, बिल्कुल, तो मुझे उन चीजों की आदत ही नहीं थी, तो वो एक, अब आप चलो, आप तो एक शुरू से थोड़ा सा आपको माहौल का तो पता ना, अब जिसको बिल्कुल ही नहीं पता जी, सिर्फ उसे एक अच्छी गिफ्टेड आवाज मिली हुई है अल्लाह पाक की तरफ से, अब वो सीखना चाह रहा है, अब वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में गया है या एकेडमी में गया है, वहाँ पे उसे ऐसा माहौल मिला है, तो वो तो बर्दाश्त, और वो वही परसेप्शन बना लेगा सारे क्लासिकल लोगों के लिए, और कल को उसका कोई ट्रैक वो करता है कहीं पे जाके और वो लॉन्च करता है और वो हिट हो जाता है, तो उसने तो फिर यही कहना कि यार ये जो ये लोग हैं ना, जो ये जो मिरासी लोग हैं, ठीक है, इन्होंने ना इंडस्ट्री को गंदा किया हुआ है, सीधी बात है, उन्होंने फिर यही कहना। तो देखें, और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ना, तो मेरे जो उस्ताद जी थे, बाबा जी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। अब ये नहीं मुझे पता क्यों नहीं किया, उन्होंने हालांकि कर सकते थे, वो पूरा हक था उनका, और मेरी एज भी ऐसी थी कि मैं, मुझे बात माननी पड़नी थी उनकी, बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद मुझे मेरी जो ज़हनियत, हम दोनों की जो ज़हनियत है कि हमारे पास कल को कोई बच्चा, या कोई बच्चा तो नहीं कहेंगे, हम तो भी
छोटे ही ठीक है ठीक है, मैं समझ गया हूँ ये बात कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। कोई कोई सीखने आता है या कोई या कोई कोई हमसे कवाली या कोई रियाजत सीखने आता है कोई बंदा, तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो ये हाँ, ये बड़ी मैटर करती है बात, जो सलूक आपके साथ हुआ होता है वो ही आप आगे करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा आसानी से मिला। आसानी इस वे में कहेंगे कि एक तो घर में था, दूसरा जो कुदरती तौर पे उस्ताद ऐसे मिले कि उन्होंने बड़े आराम से उन्होंने बताया और थ्योरेटिकली बताया। ठीक है, तो हम भी ये चाहेंगे कि यार जरा ऐसे वे में बताएं कि यार कम टाइम में ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि शायद 10 साल से भी ज़्यादा और हम लोगों की स्ट्रगल भी बिल्कुल इकट्ठे हुई हुई है, हमने स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। हम एक कॉलेज में थे और बहुत सारा वक्त हमने साथ में देखा है। मुझे ये बताएं कि आप कौन सा ऐसा लम्हा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस वक्त आपको ये लगा कि अब हमारी अचीवमेंट शुरू हो गई है। वैसे तो कॉमनली लोगों को पता है, लोग अगर असेस करेंगे, मैं अगर असेस करूं कि वो कौन सा लम्हा था तो वो नेस्कैफे बेसमेंट का वो था, लेकिन ये तो मेरी अजम्पशन है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा लम्हा था जिस वक्त आपको ये एहसास हुआ कि अब हम उस रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं जो कामयाबी का रास्ता है? वो मेरी नज़र में वो क्योंकि अबू की 2013 में डेथ हो गई थी, तो वो एक ऐसा सडन पॉइंट था कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, हम म्यूज़िक छोड़ भी सकते थे क्योंकि घर के मामला सारे देखने थे और रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे पास, और वो एक मामला ऐसा था कि वहाँ पे आके ना लाइफ चेंजिंग वाला मोमेंट था। ठीक है, कि असी फुल ताई भी हो सकने सी क्योंकि पैसे कमाने सन। हाँ, सिद्धी गल, बिल्कुल घर चलाना सी अपना। ठीक है, और अम्मी थी सारे मामला देखने थे। वो एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पे हमने अम्मी ने ये क्रेडिट उनको जाता, अम्मी ने हमें एक तो डोलने नहीं दिया। अम्मी ने कहा कि वाह आप काम करो बस, बाकी सारे मामला हमारे। क्या बात है। हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं कि कब लगना शुरू हुआ हमें कि हम सही हम पटरी पे हैं। ठीक है, वो पॉइंट था कि जब अम्मी ने ये कहना शुरू अम्मी ने मना करना शुरू कर दिया हमें म्यूजिक से। अच्छा, जब हमारी बातें दूसरों के जरिए अम्मी तक पहुंचती थी। अच्छा, कि आपके बच्चे वहां जाके किसी जगह पे जाके परफॉर्म किया है। हाँ। और अम्मी को उस परफॉर्मेंस का पता चला है किसी अच्छा। दूसरे बंदे से। अच्छा, तो अम्मी ने बजाय क्रिटिसाइज करने के ना अम्मी ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। वाह, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए तो सबसे बड़ी यही अचीवमेंट थी कि यार अम्मी राजी हो गए। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन सवाल है, ये मुझसे अक्सर जो ऐसे दोस्त हैं जिनको ये पता है कि हम दोस्त हैं, जी भाई जी बिल्कुल, और वो मुझे जानते हैं और वो आपसे कभी नहीं मिले और वो आपके फैंस भी हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि जैन और जोहेब में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ज़रा ये तो क्लियर करें ना आज, ये इतना बड़ा मसला आज हल हो जाना चाहिए कि आप दोनों में से बड़ा, मुझे तो पता है जाहिर है लेकिन आप बताएं। ये हम कह भी दें तो नहीं होगा क्योंकि मसला है। नहीं, इसके आगे एक बात जुड़ी हुई है ना, जहां तक मैं मसले को लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जरा आप आप दोनों में से बड़ा कौन है बताएं आप यार। पता है तो हम स्किप तो नहीं कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल है कि जोहेब इसमें, वैसे जोहेब खासा कम गो है। अच्छा, फिर मुझे इजाजत दे देता है। हां प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते इतना इजी। जोहेब आमतौर पे कम बात करता है, ये देखे ना मैं पीछे, और मुझे जज्बात का, लेकिन यहाँ मैं ये जवाब जोहेब से चाहूंगा, जोहेब बड़ा कौन है? जैन बड़ा है। ठीक है, और हर लिहाज से बड़ा, और हक भी इसका है और नंबर भी इसका ही है। नंबर भी इसका है। हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं जैन अली के लिए। लड़का हमारा पढ़ा लिखा है, कामयाब है और मल्टी टैलेंटेड है। पकड़ा गया। ठीक है यार, मुझे और तलाश रिश्ता है हमें एक सुगढ़ और नहायत पढ़ी लिखी खूबसूरत सुशील, घर गृहस्थी के मामलात को जानने वाली और नहायत सपोर्टिव, और जैन अली को नहायत मोहब्बत करने वाली एक खूबसूरत लड़की की तलाश है। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज हमें सजेस्ट करें, आप पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के एंड पे आपको रिश्ते कराने वाले के नंबर तो वो देख लीजिएगा आप। देखें, एक सवाल है, क्यों नहीं करता?
भाईजान मुझे पता है कि वो क्यों नहीं करता, और मुझे वो जो मसला है ना उसका हल भी पता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस मसले का हल करूंगा। ये सुनेंगी पॉडकास्ट, ठीक है, तो आप उस हिसाब से जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, मैं और इर्ज़ा मिलके जैन के लिए सीरियस नोट पे हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसी एक बहू, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ ना जैन का। नहीं वो तो आपका हक है भाई। तो मुझे हक है ये कि मैं और इसकी भाभी जो है हम दोनों मिलकर ढूंढे इसके लिए। लेकिन मसला ये है, ढूंढ तो लेंगे आप, ये करेगा नहीं? अच्छा नहीं करेगा, मसला ये है कि ढूंढ लेंगे वो एग्री हो जाएंगे। यार उसका मासूम सवाल तो चेक करो, जैन का मैं ऐसा रिश्ता लेके आवांगा ना तेरे कि ना तेरे को ना होनी ते ना मैं करेंगे नहीं। कहो मैं ऐसा रिश्ता ले गया मांगा कि तू को तो शादी नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पर ये रिश्ते वाले मौजू पे मैं आता हूँ अभी, ये इसके लिए इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने शेयर करनी है आपके साथ। जब मर्जी आए हमारे ऑनलाइन ये सब लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है कि मैंने जैन के लिए क्या ढूंढा। मुझे ये बताओ कि हुआ ये कि 2020 में नेस्कैफे आया सीजन 5, 19 में आया नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 जी भाई, और जो गाना नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 में आपका आया जी भाई, जो ट्रैक आया, जो सूफी कलाम आया हैदरियम, वो ऑलरेडी रिलीज था जी भाई, ठीक है। अच्छा ये सवाल बड़े लोगों को मदद भी करेगा, हाँ। कैसे लोग अज्यूम करते हैं कि पता नहीं कैसे पहुँच गए ये लोग उधर, कैसे पहुँच गए आप लोग नेस्कैफे में, हुआ क्या था, कैसे हुआ ये सारा कुछ? भाई जहाँ तक मुझे याद है वो ट्रैक रिलीज था, बिल्कुल रिलीज था, ऑडियो वीडियो रिलीज था, हम लोग पहले सुन चुके थे। इस क्वेश्चन से जवाब देने से पहले ना फिर जवाब जो देगा, ठीक है, मैं एक बात लाजमी या ऑनर बताना चाहता हूँ, बताना फर्ज है हमारा। सीजन 4 की बात है, उसमें हम एक बंदे के तवसल से हम नेस्कैफे जुल्फी भाई से मिले, और वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। ये फजूल बातें कर रहे हैं। और ये सच्ची बात है, और ये सच्ची बात है। नहीं नहीं ये कभी कभी मोहब्बत में, जैसे वो अंदर मसूद साहब के शो में कहते हैं ना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये मोहब्बत में इधर उधर निकल जाते हैं। मेरे ना करने के बावजूद, मेरे ना यानी कि मुझे क्योंकि आइडिया नहीं था कि प्लेटफॉर्म कैसा है और क्या, क्योंकि कभी किया नहीं था ऐसा ऐसी जगह पे परफॉर्म, तो ये भाई ने ज़बरदस्ती मुझसे करवाया वो अपने भी गाने में, और फिर अपने गाने के साथ साथ गौरव दंदा में फिर एज अ वोकलिस्ट सरगम के लिए उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने किया वो सारा मामला। तो ये भाई बैठे हुए हैं जिनकी वजह से मेहरबानी आपकी, अब आप बस इतनी तारीफें बहुत है, ये आपने मुझे एंडोर्समेंट दे दी है, आप बड़े आदमी हैं, तो हमने आपको पकड़ लिया, आप बड़े आदमी हैं। मुझे ये बताएं कि सीजन 5 में तो अब आगे से जी बताएं कि हुआ क्या था, प्रोसेस क्या हुआ। लोग समझते हैं कि पता नहीं, जिस बंदे के बड़े ताल्लुकात होते हैं ना उनको शायद हमारा ना, मैं समझता हूँ लोग बड़े बेचारे मासूम हैं, लोग पता क्या समझते हैं हमें कि हम लोगों के ताल्लुकात, हम तो डायरेक्ट अमेरिका के सदर को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं अभी फलां बंदे को कह दो हमें ले ले, और वो हमें ले लेता है, ले लेता क्योंकि उन्होंने हमारा स्ट्रगलिंग टाइम देखा ही नहीं हुआ कि हम किधर किधर क्या क्या कॉम्पिटिशन लड़ने जाया करते थे, और एक बाइक और क्या क्या, एक बाइक और वो भी जोहेब की, मेरे पास वो भी नहीं थी, और मैं जैन और जोहेब तीनों उस पर बैठ के इंस्ट्रूमेंट्स समेत, हम इंस्ट्रूमेंट्स रख के बाइक पे बैठ के, और वो बाइक 125,000 दफा पंक्चर हो चुकी थी। उसमें इतने पंक्चर लग चुके थे कि उफ, लेकिन अब वो टाइम किसी को नहीं पता हम लोगों ने वो टाइम कैसे गुजारा। हमने वो टाइम देखा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा, और उस टाइम के इवज हमें ये सारी प्रोग्रेस जो आज हो रही है या जो हम मोटिवेटेड हैं, ये वो टाइम है जो पीछे हमारी कहानी है, वो चूंकि लोगों को पता नहीं। अब लोगों को ये लगता है कि यार गा तो बहुत सारे लोग रहे हैं, ज़िशान अली की कैसे फलां जगह नॉमिनेशन आ जाती है, ये फलां जगह कैसे गा लेता है, कवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैन जोहेब कैसे कोक स्टूडियो चले जाते हैं और नेस्कैफे चले जाते हैं, ऐसे ही है भाई। तो इसके पीछे, और कोई भी आर्टिस्ट है ना, कोई भी आर्टिस्ट है, चूंकि आप उसे वहां से जानना शुरू होते हैं जहां से वो फेमस हो जाता है, बिल्कुल फेमस होने से पहले की कहानी या तो उसे पता होती है या जो लोग उसे जानते हैं उसे पता होती है। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई बगैर वजह के आगे आ जाए, और अगर बगैर वजह के कोई आगे आ गया तो यकीनन इसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल होती है, क्योंकि उसके चाहने के बगैर कुछ भी नहीं हो कुछ होता नहीं है। तो
आप लोगों की कहानी मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं लोगों को, क्योंकि सीजन 5 के ऑडिशंस चल रहे थे, मैं कराची में था, मुझे पता चला ऑडिशंस हो रहे हैं, लाहौर में हुए, कराची में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए। जी जी, अब आगे कहानी आप बताएं कि आप कैसे सीजन 5 में पहुँचे। भाई एक तो सबसे पहले वही बात है आप वाली कि लोगों को ये लगता है कि हम किसी लिंक के ज़रिए या किसी बंदे के ज़रिए हम इस जगह पर पहुँचे, हालांकि जैन ने सीजन 4 में कर लिया था, आपके साथ भी बजाया था और गोरखधंधा भी, बिल्कुल गोरखधंधा में गाया और वो एपिसोड पूरा डेडिकेट किया गया आपके दादाजी को, हाजी रहमत अली साहब। जी जी बिल्कुल। फिर भी सीजन 5 के लिए हमें ऑडिशन देने पड़े और हमने प्रॉपर जैसे सबके ऑडिशन हुए हैं ऐसे ऑडिशन दिए। जहाँ तक हैदरीम का एक सवाल है, वो हमने एक हमारी एक जिंदगी का पहला ट्रैक है जो हारिस इरशाद हैं, जो हमारा म्यूजिक सारा देखते हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया और उनका वो पहला ट्रैक था। ठीक है। और जितनी भी टीम है वीडियो की, अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम ज़रा लंबा हो जाएगा, जिसमें आसिफ भट्टी हैं, ज़ैनुल आबदीन हैं, वली हैं, बहुत से लोग हैं। ठीक है। जिन्होंने साथ दिया, उनकी पहली वीडियो थी और ज़ीरो बजट था। ठीक है। ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, हमारे पास पैसे नहीं थे उसके, आप लोग समझते हैं कि हम अमेरिका के सदर को कॉल करवा के या किसी ताल्लुक को यूज करके पहुंचते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं होते जब हम शुरू हो रहे थे। इवन भाई जब हम 7 शूट करने गए उसका, तो हर बंदे ने अपने अपने टिकट ट्रेन के पैसे खुद खर्चे थे। क्या बात है। हालांकि वो ट्रैक तो हमारा, उन्हें क्या लगे, और ना हमारे पास पैसे दे के रहने की कोई जगह थी वहाँ पे, और हैदराबाद में हमारे दोस्त हैं आशीष भाई हैं और समी भाई हैं, इन दोनों के घर में हम रुके और इनको बहुत तंग किया हमने क्योंकि हम बहुत लोग थे। जी तो कैसे नेस्कैफे में पहुंच गए भाईजान आप? गाना तो रिलीज था, आपने बताया कि वीडियो भी पैसे नहीं थे, वीडियो बनाई दोस्तों ने मिलके, और उन सारे दोस्तों को मैं भी जानता हूँ, वली हैं उसमें, आसिफ हैं उसमें, ज़ैनुल आबदीन हैं उसमें, ऑडियो पहला हैरी का था और पहला ही ट्रैक, पहली ही वीडियो थी इन सारे दोस्तों की, बिल्कुल, और सारे दोस्तों ने मिलके और जो जिस कैपेसिटी में सपोर्ट कर सकता था उसने की, और इस तरह से पहला गाना रिलीज हो गया। और आप बता रहे थे जब वीडियो शूट करने गए हैदराबाद, एक दोस्त ने अकोमोडेशन की, इसके आगे आप बताइए। भाई तो उन्होंने सारा देखा हमारा मामला रहने का। ठीक है। तो जितने पैसे थे हमारे पास उसके हमने एक गाड़ी करवाई हैदराबाद से। ठीक है। और हम सीधा चले गए 7। ठीक है। और इस दौरान हम लाहौर से लेके रास्ते में शूट करते, कोई स्टोरी डिसाइडेड नहीं था, कुछ नहीं है, शूट करते जा रहे हैं। ठीक है। तो जब 7 पहुंचे ना भाई, वहाँ पे हमने हाजिरी दी और उधर अलाव नहीं है परफॉर्म करना, लेकिन उनकी हमने रिक्वेस्ट की कि हमने 7 में बैठ के हाजिरी देनी, तो वो वीडियो में है, कुछ क्लिप्स हैं उस चीज़ के। हमने जब वहाँ हाजिरी दी तो वो एक अजीब समा था कि उनके पास बैठ के उनका कलाम पढ़े, तो वहीं से ना एक फीलिंग होती है कि यार ये इनका है तो ये खुद ही वारिस है, बिल्कुल सही, खुद ही सब करेंगे। वो हो गया, हमने वीडियो भी रिलीज़ कर दी, वो कुछ दोस्तों ने सुना, इतना तब नहीं था जिन लोगों ने, लेकिन स्टिल मैं अगर याद करूँ तो उसके क्योंकि हम लोग वीडियोस तो बड़ी देर से ही बना रहे थे ना, जो भी हमारा बस चलता था, कहीं बैठ गए लाइव गा दिया, कैमरे पे DSLR कभी कभी देखने को मिलता था, किसी दोस्त के पास हुआ फेवर ले लिया, आओ भाई वीडियो बना दो, मैं खुद ऐसे ही करता था, हम साथ ही थे, हमने वो टाइम गुजारा। बिल्कुल। तो लेकिन वो जो ट्रैक था हैदरीम, उसके खासे व्यूज थे उस हिसाब से, यूट्यूब हमारे हिसाब से लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। लेकिन शॉकिंग हमारे लिए ये था कि जब ऑडिशन के लिए कॉल आई जुल्फी भाई की, तो जैन यूके था उन दिनों में, तो जैन को उन्होंने कॉल की कि यार क्या सीन है, आप लोग आओ ऑडिशन दो। तो जैन ने कहा यार मैं तो यहाँ हूँ भाई, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा क्या मतलब नहीं आ सकता, दोबारा इसने ये कहा है, पहले भी एक दफ़ा ये कह चुका है जिसके फोन में भी कहा था जिन्हें मैंने यहाँ नहीं आ सकता। तो खैर उन्होंने कहा कि अच्छा, इसने कहा यार जो है उधर है तो आप उसका ऑडिशन लें, अगर आपको समझ आता है तो बिस्मिल्लाह ठीक है करें। तो खैर मैं गया ऑडिशन के लिए साथ, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं एक दो वो लेके गया, तो हमने कुछ और प्लान किया हुआ था हाँ सब की, क्योंकि गाते थे जब,
तो हाँ सब की एक दो चीज़ें हम तैयार करके गए थे, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था कि अपनी भी कोई सुनेगा। बिल्कुल सही। तो जुल्फी भाई ने तब हमने जब अपना गा लिया ना, तो जुल्फी भाई कहते हैं यार वो हैदरी में सुनाओ। वाह। तो यानी उन्होंने नज़र रखी हुई थी कि कौन क्या रिलीज़ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। ये उनकी तारीफ है, उनकी उनका विजन है ये कि वो नज़र रखते हैं। तो मेरे लिए ना एक चेंज, इवन जो हारमोनियम प्लेयर साथ था उसको सुर भी नहीं पता था कि किस सुर से है, क्या सीन है। तो पहले तो मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार ठीक है, मैंने फिर खुद हारमोनियम पकड़ के तो साथ हैदरीम सुनाया उन्हें, तो वो साथ गा रहे थे हमारे, ठीक है हम ऑडिशन दे के आगे। और यकीन करें कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, उधर ही नहीं बताया उन्होंने कि अभी आप सिलेक्टेड हो नहीं हो। नहीं, जो सबके हमारे साथ और भी लोग थे जो ऑडिशन देने आए थे, तो हमने ऑडिशन दिया आगे। तो उसके कुछ देर बाद हमें एक ऑफिशियल आया उनका कि कंग्रेचुलेशन आप सिलेक्ट हो गए हैं, क्या बात, सीजन 5 के लिए। कैसा एक्सपीरियंस था उस पूरी प्रोडक्शन टीम और जो लोग आपके साथ प्ले कर रहे थे? मेरा, मैं एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो, लेकिन क्योंकि ये मेरा खुद पहला पॉडकास्ट है चुके, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो हमारे जैसे जो अब उस एज में हैं जिसमें हम उस वक्त थे जी भाई, वो हमारी तरफ देखते हैं जी, वो जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या वक्त गुजारा, क्या ऐसे सरकमस्टांसेस थे जिनमें से गुजर के ये लोग आज इस जगह पर। तो आप उनकी मोटिवेशन के लिए, उन सारे दोस्तों के लिए, क्योंकि मुझे बड़े मैसेजेस भी इस तरह के आते रहते हैं कि आप कभी बैठ के अपनी कहानी शेयर करें, क्या कहने, क्या कहने। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज पहले तो आप अपनी कहानी शेयर करें ना, क्या एक्सपीरियंस था और क्या माहौल होता है नेस्कैफे का, जुल्फी भाई का क्या किरदार होता है। किसी दिन मुझसे कोई पूछेगा तो फिर मैं अपनी राय बताऊंगा, फिलहाल आप बताएं कि आपको क्या महसूसमेंट्स थी उस वक्त। हमारे लिए तो जुल्फी भाई एक, आप यकीन करें, बाप का दर्जा रखते हैं म्यूज़िक में, क्योंकि वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आपके अंदर से वो चीज़ें निकालते हैं जो आपको भी नहीं पता होता कि बिल्कुल ऐसे ही आपने वो चीज़ फील की है। बिल्कुल की है। तो हैदरीम भी जब हम रेडी कर रहे थे तो पहले तो हमने सुना पुराने वाला वहाँ लगा के बैठ के ना, हाँ क्योंकि जब हम आमतौर पर ट्रैक रिलीज कर देते हैं ना उसके बाद हम खुद इतना ज़्यादा नहीं सुनते। तो वो काफ़ी अरसे बाद हमने पहली दफ़ा, बल्कि दूसरी तीसरी दफ़ा जैम रूम में हमने सुना, ठीक है, जिसमें सारा वो म्यूजिशियंस बैठे हुए थे जिन्होंने परफॉर्म करना था हमारे साथ। तो जुल्फी भाई ने ना डिटेल में उन्हें बताया कि यार ये पहले सुनो इन्होंने किया क्या होगा, वो जो पुराना ट्रैक था जी, जो पहले अपलोडेड था, ठीक है, अब वही ट्रैक सुन रहे हैं हम, उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी थी, रीअरेंज करना था उसको सर, हाँ रीअरेंज करना था। अब वो ट्रैक सुना, वो ट्रैक बंद हुआ, जुल्फी भाई कहते यार एज इट इज़ करना। क्या बात है। और ये मैं भी इंडोर्स करना चाहूँगा कि जुल्फी भाई तकरीबन आप लोगों ने, मैंने ऑलमोस्ट को 80-90% जो प्रोडक्शन की जगह हैं लाहौर में जहाँ से काम हो रहा है इंडस्ट्री का, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमने किया है। लेकिन एक ऐसी बात है जो सिर्फ जुल्फी भाई में पाई जाती है, वो ये है, इसको आप तारीफ समझ लें, इसको आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस समझ लें हम लोगों का, कि जिस कदर कंफर्टेबल वो कर देते हैं ना बंदे को, ऐसे कि खेलो तुम खुल के, क्या करना चाहते हो, बिल्कुल इतना मैंने कहीं और महसूस नहीं किया। बिल्कुल नहीं, तो ये उनके लिए एक बात है कि जो मुझे फ़र्क महसूस होता है दूसरे प्रोड्यूसर्स में और जुल्फी भाई में, बड़े बड़े काबिल और अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पाकिस्तान में और पाकिस्तान भरा हुआ है अच्छे लोगों से, लेकिन जुल्फी भाई की खास बात, बहुत सारी खास बातों में से एक खास बात यह भी है कि वो आपको इतना कंफर्टेबल कर जाते हैं कि जो आपके करने का नहीं भी होता आप वो भी कर गुजरते हैं। तो ये अब ट्रैक सुना, उसमें से चीजें कुछ उन्होंने, पहले तो उन्होंने कहा कि यार एज इट इज करना, ठीक है, हम आगे से बोले हम दोनों कि भाई एज इट इज नहीं करना, ठीक है, कहते क्यों नहीं करना, मैंने कहा भाई वो पहले अपलोड हो चुका है, अब मजा ये है कि उसी कंपोज को लेके हम कुछ नया करते हैं। इस पे उन्होंने आपको इनकरेज किया होगा क्योंकि वो ऐसी बातों को पसंद करते हैं। ये मेरे जहन में क्यों नहीं आई ये बात, अब आगे से ना ऐसे वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे से कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, मैं कहा ये होगा भाई, हमें थोड़ा सा टाइम दें आप, हम सारे बैठे आपस में, फिर वो जो भी निकला वो सबके सामने है सारा मामला। आपको लगता था कि आपका ट्रैक सबसे हिट ट्रैक होगा सीजन 5 का? नहीं, हमें लगता था कि हम जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाएगा,
ठीक है, यानी ये वाइब आपको थी ऑलरेडी। जैसे मुझे सीजन फोर में तेरे जो और दिसदा जब आया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ट्रैक जो है ना वो कोई ऐसा खास नहीं है, मैं मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे एक्सपोजर नहीं था, मैंने इससे पहले कोई काम किया ही नहीं था किसी भी जगह, ना कोई ऑफिशियल गाना रिकॉर्ड करना इतने अच्छे बड़े एक्सपीरियंस्ड एक्सपोजर्ड लोगों के साथ। तो मेरी अपनी ही एक परसेप्शन थी कि कैसे गाने हिट होते हैं और कैसी वीडियो होनी चाहिए और ऐसे हो जाना चाहिए और वैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो बंदा पहली दफा कर रहा है वहां और दूसरा एक्सपोजर नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये चीजें तो है ना कि जब पहली दफा आप कुछ करके ही पता चलता है ना कि यार कौन सी चीज हिट हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। वो करने के बाद ये समझ आई कि ये कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये ट्रैक हिट होगा या ये चीज हिट होगा, क्योंकि हमने उसके बाद भी काफी ऐसे ट्रैक किए हैं अपने तौर पे अपने चैनल के लिए कि हमने पूरा एक अंदर से आवाज आ जाती है ना कि यार ये क्लिक कर जाएगा, नहीं करता हूँ ऐसे ही होता है। और जो ऐसे ही बनाओ ना रैंडमली, एफर्टलेस हो ना, जिस पे हमने काम किया, जो एक या दो दिन में बन गया या एक हफ्ते में बन गया, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा। मुझे ये बताएं, आप फिल्में देखते हैं दोनों, कौन सा जॉनर है जो आपको पसंद है फिल्मों में? मुझे हॉरर। और रैन को? मुझे एक्शन प्लस। अच्छा, मैं आप दोनों से आपकी एक एक फेवरेट फिल्म पूछता हूँ कि आप बताएं कोई, कि आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म आज तक, एक आपने बतानी और एक आपने। मेरी कंजरिंग। कंजरिंग फिल्म पसंद है तुम्हें? ठीक है, बस ऐसे साइड पे हो गया ना, परे हो गया। जैन तुम्हें कौन सी फिल्म, कोई ऐसी फिल्म जो आज तक फंसी हुई है दिमाग में कि यार ये बड़ी कमाल फिल्म थी? वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या कहने जैन फुल, मुझे लगता था ये फिल्म ही है। तो मैं भी तो यही, मैंने हमेशा लगता सी कि है ना कोई बॉलीवुड इन्फ्लुएंस्ड मुंडा है अंदरों, वो फाइनल फाइनल अंदरों इंडियन फैंटेसीयां पूरी हो गईयां ने बॉलीवुड डालियां ना, लव स्टोरीज ते है उत्तम फुल मुदब्बर बॉलीवुड नहीं, वो फुल फुल टूरिज्म ते बनी है मूवी मेरा। ओ फिर इंटरन दा शौक है ते जेड़ा मैं रशिया दा रिश्ता दित्ता सी ओदे तो क्यों इंकार कीता जे तैनू इन्ना ही फिर इंटरन दा शौक है रिश्ता अगर आप कबूल करते हो ना तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसका नहीं नहीं दादा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो भाभी नहीं नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ऐसा फायदा है ही नहीं दुनिया में। उसका फायदा ये है कि फायदा ये है भाई, भाभी कोई भी सैलेड बनाएगी ना घर पे, हाँ, वो रशियन सैलेड है, वो रशियन सैलेड है, कैसी गल है, इसी बात पे पॉजिटिव डन करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे मैं एज आर्टिस्ट, जी भाई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं एक आम आदमी भी हूँ, आम लिसनर भी हूँ, आर्ट कंज्यूमर भी हूँ, मैं भी आर्ट को कंज्यूम करता हूँ, म्यूजिक भी सुनता हूँ, अपने गाने तो नहीं सुनी जाना पागल हो जाऊंगा, अपना गाना सुनने का दिल भी नहीं करता चार पांच दफा, क्योंकि उसके प्रोसेस में इतनी दफा सुन चुके होते हैं। मैं जब स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ या कभी क्रिएटिव आमद नहीं हो रही होती कभी, तो मैं आप लोगों को सुनता हूँ, मैं उस्ताद मुस्तफ़ा अली खान को सुनता हूँ, मतलब ये एक वो है ना, मतलब ऑनेस्ट वो है, तो मैं उस्ताद मुस्तफ़ा अली खान को और मैं मेहदी साहब को और गुलाम अली साहब को, और अगर आजकल के आर्टिस्ट जो हैं उनकी बात किया जाए तो मैं पंजाब के इंडियन पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं मैं उनको सुनता हूँ शौक से, तो सतिंदर सरताज उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप मुझे ये बताएं, मेरा नाम आपने नहीं लेना ठीक है, आप जब स्ट्रेस्ड हो जाते हैं आप किनको सुनते हैं, उनमें आजकल के लोग भी होने चाहिए वो भी आपने बताने हैं। मुझे पता है आप उस्ताद मुस्तफ़ा फ़तेह अली खान को सुनते हैं, सातजा को सुनते हैं, लेकिन आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेरा नाम आपने नहीं लेना क्योंकि मुझे पता है कि आपने लेना है। वो इसलिए लेना है कि अल्लाह की कसम हम अभी आपका ट्रैक सुन के आ रहे हैं। मैंने जब कॉल की जैन को तो जैन कहता है यार बड़ी लंबी उम्र है ताड़ी। भाई हाँ जी गल, और हम ये कोई इसमें ये नहीं है कि मुंह पे बैठे हुए हैं, हम वाकई इनका ट्रैक सुन रहे थे, तेरा जय और जिसका एक बहुत बड़ा ट्रैक है, क्योंकि उसमें जैन अली है ना और जैन खान को छोटा आदमी नहीं है, जैन अली तो है ही है। अच्छा हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस, चूंकि हम उस टाइम में बिल्कुल वेले थे और मेरी तो स्टेल मेल सी ना उस टाइम। नहीं वेले इस सेंस में वेले इसलिए कि काम ही नहीं कोई कोई पाकिस्तान में उस टाइम पे, पाकिस्तान में म्यूजिक का कोई सीन नहीं था, ये आप भी इस बात को एग्री करेंगे। तो आपने इस किस्म का उसमें अरेंजमेंट्स में आपने किरदार अदा किया भाई, वो एक तो ओवरऑल ट्रैक उसकी प्रोडक्शन और जुल्फी भाई और वो जो टीम है पूरी, लेकिन ये आपको भी जाता सीजन 4 ने क्या आपने कहा है यार,
सीजन फोर ने और उस ट्रैक ने माशाल्लाह तो पूरी गेम ग्राउंड बना दी थी हम लोगों। क्या बात है ये वो उस इसमें मेरा ख्याल है कि वो ये सीजन था सीजन फोर वहाँ से असल गेम तो वहाँ से शुरू हुई है ना म्यूजिक की के जितने भी यूनिवर्सिटीज थे या सोसाइटीज जो हैं यूनिवर्सिटीज में वहाँ तक वो मैसेज पहुँचा कि यार म्यूजिक कर सकते हो आप लोग खुल के कर सकते हो और लाइव म्यूजिक अपना म्यूजिक कर सकते हो जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही गाने गाने ठीक है कवाली उठा के भी आप उसको भी कुछ आप तेरे जी और दिस था कवाली है ना बेसिकली लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया यार बिल्कुल कि ऐसा किया कि हर बंदे के वो एक ना इंस्पायरेशनल ट्रैक बन गया बिल्कुल यार हमसे इससे मुतासर होके मैं सिर्फ अपने आप को ना उस ट्रैक का एक हिस्सा समझता हूँ कि जहाँ मेरा क्रेडिट जाहिर है कि मैंने वोकल्स किए हैं उसके लेकिन वो जो एक एक बंदा मिसबा गिटार्स पे था शारून हारून तो शहरी असद जैन अली आसिफ अली में भी तो यही बात बिल्कुल ऐसा ही है और ये लोगों की बरकत होती है बिल्कुल 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 ये कोई भी आप कोई भी ट्रैक उठा लें उस्ताद नुसरत अली हाँ सब के जितने भी आप कवाली के ट्रैक उठा लें पूरा ग्रुप है उसमें ठीक है तो वो सबकी सबके इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं क्रिएटिव क्या बात तो आप किनको सुनते हैं सर सर उसमें सबसे पहले उस्ताद सामद अली हाँ सर क्या बात है सुभान अल्लाह उस्ताद बड़े गुलाम अली हाँ सर वाह वाह फिर अब इस दौर में आ जाए अरिजीत साहब सुभान अल्लाह सोनू निगम साहब क्या कहने फिर वारिस बेग साहब वो टेस्ट यकीनन वो लेजेंड है हमारे मुल्क के उन्होंने बहुत काम किया है क्यों क्योंकि और बड़े मुश्किल गाने हैं उनके गाए नहीं जा सकते अच्छा और अगर मैं पूछूं कि आपकी 2013 में यानी अभी आने वाला है 2022 में आपकी एक फीमेल सिंगर कौन फेवरेट है इंडिया पाकिस्तान मिला के 2022 में ऐसी एक फीमेल सिंगर का नाम बताएं आप दोनों आपके अलग भी हो सकती हैं फेवरेट बिल्कुल क्योंकि आप दोनों गैर शादीशुदा हैं सुनने की बात कर रहे हैं देखने की बात तो मैं म्यूजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आप दोनों ने बतानी है अपनी अपनी एक फीमेल फेवरेट सिंगर मेरा ना अजीब सा सीन है कि कुछ अरसे बाद ना बदल जाती है फेवरेट और हाँ ठीक यानी कि कोई ऐसी और करंटली क्या है मैं दुआ लिपा को सुन रहा हूँ यार क्या कहने यार बस सुन रहा हूँ देख अब देख यार क्या कहने यार से वाह 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 वा। और जैन साहब आप बताएं मेरी दो तीन ठीक क्या कहने मामला तो ऐसे है ना कुछ ठीक है, समझ ठीक है। नहीं नहीं मैं मुकम्मल तौर पे समझ उनमें सबसे पहले सुनिधि चौहान क्या कहना है क्या कहना है श्रेया घोषाल वाह वाह दुआ लिपा ते दुआ दुआ करना दुआ कीता क्या कहना है यार क्या कहना है काफी जो भी अभी मंजरे आम पे हैं काफी ठीक है मुझे ये बताएं कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज है जो गाने बजाने वाले हजरात बोलते हैं जी जी ठीक है मिनो में आती है जी जी माड़ी टेन लैंग्वेज हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वो आपको आती है बिल्कुल आती है आप मुझे ये बताएं कि कोई अगर मैं आपसे फरमाइश करूं जी जी तो आप कोई शेर सुना सकते हैं मुझे जुबान में जी बिल्कुल सुनाएं कुछ मेरा था मुपचा मैना रह मेरे पै मेन जै मे पै मैं आ गया मैड मैं मे गया ये असल शेर है ये तहजीब हाफी साहब का शेर है जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं भाई हैं बड़े उनको उनका शेर है सॉरी उनसे हम माजरत चाहते हैं नहीं माजरत क्यों वो खुद करते रहते हैं हाँ वो लेकिन वो पब्लिकली नहीं करते भाई बड़े नहीं नहीं वो बड़े आदमी है तो भाई हमारे बड़े भाई हैं ये सब कुछ है क्या शेर है भाई आपकी माशाल्लाह गजल तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया क्या कहने क्या बात तो मुझे ये बताइए कि जैन अली जोहेब अली आपकी रियाज करने की क्या रूटीन है लोग समझते हैं आप 12-14 घंटे रियाज करते हैं नहीं, आप नहीं। डेली बेसिस पे रियाज करते हैं और कितना करते हैं रियाज आप और रियाज क्या होता है आपके नज़दीक क्या है रियाज होता क्या ये कोई फार्मूलाज होते हैं ऐसे या कि ये क्या होता है मतलब आप सादा लफ्जों में एक्सप्लेन कर सकते हैं रियाज जो है ना भाई एक प्रोसेस का जो मुझे ये लगता है लोगों को शायद थोड़ा सा लगे कि उनका चेंज हो सकता है मुझे लगता है ये
एक प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी चलेगा, बिल्कुल सही, जिसको आप रोक नहीं सकते. क्योंकि हाँ सब को जो दादा वो बताते थे कि वो सो भी रहे हैं ना तो उनके कोई ना कोई मूवमेंट है उनकी बॉडी में, और उनका पाँव हिल रहा है किसी बीट पे या उनके हाथ हिल रहे हैं, तो ये उन जैसा तो नहीं, यानी हर वक्त उनके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है. उनके अपने भी अब इंटरव्यूज बहुत से हैं जो वो खुद बताते हैं कि दिन को शुरू किया और पता नहीं कब रात हो गई है और अगला दिन आ गया, लेकिन रियासत चल रही है. उतना तो नहीं कर सकते भाई. बिल्कुल. तो आजकल तो यह है भाई कि शोज और रिकॉर्डिंग्स और मसरूफियत की वजह से कम टाइम मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मौका मिले भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं है. ये रियाजत से क्या मुराद है? क्या ये कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं जो आपने यही करेंगे तो ये रियाजत है बाकी नहीं है, या आवाज़ लगाना रियाजत है? असल में जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ गाता रहूँ तो बस वो रियाजत है. ये भी रियाजत है भाई. असल में आपने ये देखना है कि आपको चाहिए क्या. बिल्कुल सही. क्योंकि अगर आपने प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो आई थिंक आप किसी और जॉनरा कवाली की रियाजत नहीं कर सकते. अगर आपने किसी मूवी के लिए प्लेबैक, सही, चॉकलेट हीरो के पीछे आपकी आवाज़ आएगी तो वो कवाली की आवाज़ बहुत चेंज है. हाँ, थोड़ी सी हार्श है. हार्श है, जोर लगता है उसमें, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए. और जो प्लेबैक सिंगिंग है जो खास तौर पे सॉफ्ट, वो डिपेंड भी करता है कि किसके पीछे लगाई जा रही है वो आवाज, तो उसमें सॉफ्टनेस चाहिए, ऑब्वियसली ये बात है. तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल ठीक है, वो जो हमने कुछ हमें दादाजी ने कुछ बताई हुई है या कुछ है, या आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है भाई. कि मिसाल के तौर पर सीधी बात है, आपने एक जगह ली है, आपने कोई तान या कोई जगह कही है जो आपने कहनी है गाने या अपने रिकॉर्डिंग में, और वो सही नहीं निकली. ठीक है, ठीक है. अब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, अब उसको बार बार रिपीट करना है जब तक कि वो ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो जाए. तो वही रियाजत, तो ये रियाजत है, वही रियाजत. और आप कितनी देर रियाजत करते हैं, ये सवाल स्पेसिफाई करके बताएंगे कि कोई ख़ास टाइम के, इतनी देर तो होती है यार 15 मिनट. और अगर मैं जब भी टाइम मिले, जब भी रियाजत करने बैठूँ तो 1 घंटा कम अज़ कम. ठीक है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन है ना कि क्या कितनी होनी चाहिए. अगर ठीक है तो 15 मिनट भी काफी. यार रियाजत वही है ना कि आप एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि ये है गला. ठीक है, आपने एक चीज को, एक चीज का आदि बनाना है. तो मुझे ये लगता है. अब कई गॉड गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल सही है, जिनको नहीं जरूरत. ये इसी तरह है ना कि जैसे आप जिम जाते हैं, जी भाई, आप 2-3 हफ्ते लगातार जा रहे हैं तो आपकी बॉडी आदी हो जाएगी. उसके बाद 1 हफ्ता आपने छुट्टी की तो फिर जाएंगे तो दोबारा से क्रैम्प्स पड़ेंगे. तो इसी तरह गले को आप आदत डालेंगे रियाज कर करके, उसके बाद छोड़ेंगे फिर वो उसी जगह आ जाएगा फिर दोबारा से. तो ये है कंटिन्यूअस एक प्रैक्टिस है जिसमें आपने डेली बेसिस पे जितना भी हो सकता है बंदा, जितना भी करनी जरूरी चाहिए, करनी जरूरी चाहिए वो मिनिमम. ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि कम अज कम जब भी बैठो 1 घंटा, 2 लाजमी उसको तो जरूरी है. अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके माशाल्लाह से इतने ज़्यादा ओरिजिनल ट्रैक्स रिलीज हैं, जी भाई, और नुसरत साहब को के तो सारे ट्रैक्स जो है वो तकरीबन मैं सुन चुका हूँ. ऐसे ही है भाई. तो आपका अपना फेवरेट, आपके जो ओरिजिनल्स हैं उनमें से एक फेवरेट जिसको आप सबसे टॉप पे रेट करते हैं वो बताएं, वो कौन सा है? ये मुश्किल है, मुझे पता है, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों में से किसी एक को चूज करना, हर चीज के साथ फीलिंग्स जुड़ी होती है. वैसे भी वो नहीं, एक डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया, लेकिन जवाब देना पड़ेगा. वो तो सर देना पड़ेगा, तुसी फाड़ लिया, कुछ कहना पड़ेगा. अच्छा, मेरा फेवरेट जो है वो निगाहे करम. ठीक है, और जो आपका, मेरा जो है अपने बनाए हुए, तो वो आने वाले हैं, रिलीज होने वाले हैं. अच्छा चलें, ये बात छिड़ गई है तो मुझे ये बताइए कि आने वाली जो अब रिलीजेस हैं, जो ट्रैक्स मजीद आने वाले हैं, उनमें कितनी देर है अभी? कुछ अंदाजे से टाइम बता दें कि इतनी देर में एक नया ट्रैक आ रहा है, ताकि लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं. दूसरी चीज़ ये बताएं कि एक नहायत खूबसूरत और खुशगवार खबर मैंने देखी सोशल मीडिया पर कि खैर से माशाल्लाह आप यूके का टूर कर रहे हैं, जी भाई, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमसे शेयर कर दें. और यूके में बैठे हुए मेरे, यूके में बैठे हुए दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाई उनसे कहना हमसे मिल लें उधर. मैंने कहा यार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अगर टाइम हुआ तो वो मिल लेंगे. हुक्म आना चाहिए आपको,
भाई। तो हम ये कब जा रहे हैं जी और कहाँ कहाँ पर आपके शोज हैं ये ज़रा आप शेयर करें। हम जी नवंबर में वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, हमारा टूर है वहाँ पे, जिसमें हम डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे बर्मिंघम है, ग्लासगो है, ब्रेडफोर्ड है, और काफ़ी स्लो है, हाँ, और लाहौर है, ठीक है। और उसकी डिटेल्स आपके सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक कंपनी है स्ट्रिंग्स एंटरटेनमेंट के नाम से, उनके पेज पे और हमारे जो जैनजेब के हैं बेहतरीन भी है, तो जो हमारे दोस्त आना चाहते हैं बिल्कुल, तो और मेरे भी कुछ दोस्त आएंगे उनसे ज़रा तरीके से मिल लेना, ज़रा मेरी वो हो जाएगी ना भाई हैं अपने ये वाला होता है सीन थोड़ा भाई भाई लाजमी, हमारे लिए एक बड़ी एक अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत देर से ना यूके में, क्योंकि बहुत कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो हमारे इस म्यूज़िक को पसंद करती है, उतनी मैं समझता हूँ इधर नहीं है जितने उधर बैठे हुए हैं, जो कवाली को, पंजाबी फोक को और हमारा कल्चरल जो म्यूज़िक है उसको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत हमारे लिए बड़ा भाईजान गुड लक की बात है। और मेरा अपने वहाँ जाके एक काम करना है जी भाई, और वो काम तुमसे है जी भाई, वो जैन से नहीं है। क्या तुमने वहाँ पर मामला डन करके आना है जैन का भाई ये ना हो के बस अगो तो असी यूके जाया करिए, एदे पिछे नु मिलन, उधर भाभी नु मिलन, एनु मिलन ते है मसला ना, उते सॉर्ट आउट करके आना है। तो भाई हम जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जितने भी सुनने वाले हैं सबके लिए टिकट्स वगैरह का जो भी मामला है वो हमारे सोशल मीडिया पे, मैं ये करता हूँ कि मैं वो स्ट्रिंग्स एंटरटेनमेंट का जो आपका पोस्टर है वो भी इस वक्त चल रहा है हमारी वीडियो के ऊपर, उसको देखें कौन कौन सी सिटीज़ हैं, डेट्स क्या हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, और मजीद अपडेट्स के लिए आप जैन और जोहेब का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वीडियो के अंदर लिख के, यहाँ जाइए और सारी डिटेल्स आप वहाँ से ले लीजिए। बहुत शुक्रिया भाईजान। ये बताएं कि आप कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में? यार ने तो गुंडे नहीं, यार देखो बात ये है कि चाहे हम आर्टिस्ट हैं जी जी। लेकिन हम इस मुल्क में रहते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है तो सानू पता लगता है किने कीता है, महंगा होता है तो असी देखने यार किने पता तो चल रहा होता है। सो हम चाहें या ना चाहें हम पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड हैं, हम पे वो डायरेक्ट असरअंदाज जरूर होती है, तो इसलिए बंदे की एफिलिएशंस भी होती हैं किसी तरह। जैसे मैं हमेशा जो है वो फौज के साथ होता हूँ, तो आप भी किसी ना किसी के साथ होंगे, बस फिर अपने जैसे समझे फिर हमें ठीक है, क्योंकि देखें मैं उन डिसीजंस को मानने वाला हूँ जो ज़्यादा समझदार लोग करें, बिल्कुल हाँ। तो मेरे नज़दीक ज़्यादा समझदार लोग फौजी हैं है। ज़्यादा पढ़े लिखे भी, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अकलमंद, बिल्कुल हर हवाले से बेहतर फैसला करने वाले, हाँ जी, ज़्यादा ताकतवर जी जी बिल्कुल, क्योंकि ताकत भी होनी चाहिए ना। तो मैं तो आप भी आपकी भी एफिलिएशन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगी, तो वो किसके साथ है अगर है तो? इन मामलात से ना क्योंकि मेरी ये पर्सनल राय है, आर्टिस्ट जो होता है ना, ठीक है, क्योंकि हमने देखना होता है रिकॉर्डिंग्स और अपने शोज देखने होते हैं और हमने हर किसी का शो करना होता है, ठीक है ठीक है, तो हम आपने भी जैसा कि आपने भी हाँ, लेकिन और हमें करना भी पड़ता है, हाँ ठीक है, तो इस मामले में ना चुप बेहतर है ठीक है ठीक है, मैं टोटली इससे एग्री करूँगा, और ये मजाक में बात हो रही थी, नहीं नहीं, असल में होता ये है कि पॉलिटिक्स से ना, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मीडिया चैनल्स और इन लोगों से इख्तलाफ एक रहा है, मीडिया के लोगों से, मेरे घर पे एक एंकर है दार। मुझे लेकिन एक इख्तलाफ हमेशा रहता है, वो ये समझते हैं कि एक जो आर्टिस्ट होता है ना, ये अगर वो गाने वाला है तो वो सिर्फ गाना उसका काम है। मिसाल के तौर पे मुझे कई दफ़ा, मेरे साथ ये हुआ है कि एज अ गेस्ट बुलाया किसी शो में और फिर हम वहाँ बैठ गए जाके चुप करके, आज हमारे साथ ज़ीशान अली हैं, इन्होंने नेस्कैफे में गाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, उसके बाद उनका जो गेस्ट आया होता है ना, उनसे वो अपनी डिस्कशन शुरू हो जाती है और सारा टाइम वो उनके साथ फजूल बातें करते हैं, नहायत माजरत के साथ फजूल बातें करते हैं इधर उधर की, जिनका ना माशरे पे कोई असरअंदाज हो रहा होता है डायरेक्टली, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, और जब ब्रेक लेनी होती है उस वक्त हमें कहते हैं जी आप क्या सुनाएंगे हाँ। यानी वो एक आर्टिस्ट को इस काबिल समझते ही नहीं है कि इसे पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा, इनको इकोनॉमी के बारे में पता होगा, इनको एजुकेशन के, हेल्थ के बारे में, या इनको अपने हकूक के बारे में, या हम कोई भी सोसाइटी का मसला आर्टिस्ट के साथ तो डिस्कस ही नहीं कर सकते, इवन उनको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, क्योंकि कॉमन राय है कि आर्टिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते, ये पक्की बात है,
और ये होता भी ऐसे ये है, लेकिन अभी चेंज हो चुका है ना, अब दौर बदल रहा है, अभी चेंज। अब उनको कम से कम किसी आर्टिस्ट को अगर बुला रहे हैं तो थोड़ी सी एफर्ट आप करें, पहले रिसर्च कर लें कि उसने क्या पढ़ा हुआ है, उसकी भी एक राय होगी सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि हम लोगों की भी कोई पर्सनल राय होती है, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स को एक साइड पे कर दें, ठीक है, मसाइल को, मामलात को हमने ना छेड़ना है, ना हमें कोई ज़रूरत है बिल्कुल सही डिस्कस करने की। हमें जो मसले हमने फील किए हैं या हम देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि अब ये तो सीधी बात है ना कि जो मर्जी, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो, आर्टिस्ट को कसम खाई हुई है उन्होंने सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। इतने इतने बिल्कुल नहीं, इतने इतने बड़े लोग जो इतनी इतनी अल्लाह माफ़ी दे, किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इतनी इतनी वो डिजर्व नहीं करते थे कि वो इस तरह से इस दुनिया से जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कहा, मेहदी साहब उसमें हैं टॉप ऑफ द लिस्ट, और बेशुमार ऐसे आर्टिस्टों को हम जानते हैं कि जो बड़े बुरे हालात में ऐसे हैं कि देखिए आर्टिस्ट सासा है, बिल्कुल हम चाहे एक आम आदमी भी हो ना तो हम आर्टिस्ट को उसी नज़र से देखेंगे कि यार ये आर्टिस्ट है, इसने पूरी दुनिया में जाके इस मुल्क का सॉफ्ट इमेज देनी है, आपने चेहरा बनना है पूरी दुनिया में, उसका फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। हम हर हवाले से, घर के हवाले से, अपने किचन के हवाले से, अपने बिल के हवाले से, हर चीज से ना वो जरा रिलैक्स होगा तो कोई कर सकेगा ना मामला। अच्छा, यहाँ पर मैं आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, ये राय जो आप कह रहे हैं ना, ये बड़ी आइडल राय है कि ऐसा हो जाए कि आप ये मानना शुरू कर दें कि आर्टिस्ट सॉफ्ट इमेज लेके जाता है दूसरी दुनिया में, आर्टिस्ट एम्बेसडर होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी आगे की बात है। हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां आज तक ही लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िक हराम है। मुझे ये बताइए कि कवाली के बहुत सारे घराने भी हैं, जैसे मैं कराची में था तो वहाँ पर जो है वो मेरे दोस्त हैं हमजा अकरम कवाल, बड़ा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो जिस घराने से बिलोंग करते हैं वो हिंदुस्तान में, अभी रिसेंटली उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप वीज़ा रिलैक्स कर दें इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स हैं बड़े हैं वो वहाँ पर हैं, वो वहाँ के वो हैं जो दरबार में उन्हें निजामुद्दौला सरकार, जी जी, वो वहाँ कवाली करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी कवाली के घराने, जी भाई, ठीक है, जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान भी एक कवाली के प्रॉपर घराने से। आप क्या उस प्रॉपर घराने से हैं या आपके चूँकि दादाजी इसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ थे, आप वहाँ से आया या प्रॉपर घराना चलता हुआ आ रहा है? हमारा जो, क्या आपके ऊपर, मैं पूछना ये चाह रहा था, क्या आपके ऊपर किसी घराने की वो जिम्मेदारी है? नहीं, कवाल जिम्मेदारी देखा जाए तो नहीं भी है, लेकिन है भी, ठीक है, क्योंकि हम, हमारा जो घराना है वो गाजीपुरी है, ठीक है, कहलाते हैं, हम गाजीपुर के रहने वाले, ठीक है, ये शरदपुर शरीफ है, जी जी, उसके पास ये छोटा सा है, अभी भी हमारे बुजुर्गों की उधर कब्रें हैं, ठीक है, हम जाते हैं, हाजिरी देते हैं। तो घराना हमारा अगर प्रॉपर देखा जाए तो एक गाजीपुरी, गाजीपुर का हम कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे ताया जी उस्ताद फैज़ अली फैज़ साहब वो कर रहे हैं, और उनके बाद अल्लाह ने हमें ये शरफ, हमारे जो परदादा जी थे जी वो सरंगी नवाज थे। अच्छा, बड़ी अच्छी सरंगी बजाते थे, क्या बात, और वो शागिर्द थे पटियाला घराने के। अच्छा, यानी पटियाला स्कूल ऑफ थॉट चलता हुआ आ रहा है आगे। उनसे पहले जो थे वो नाम याद आ जाता अभी, बाबा बुढ़े हाँ, अच्छा, ये नाम है जो कि आई थिंक मैंने शायद चाचू से सुना या पापा से सुना था कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीस में ना उनका नाम भी है। अच्छा अच्छा, उस दौर में वो रिकॉर्ड हुआ था। उनके बाद बाबा बूटे हाँ, फिर उनसे कुछ चलता हुआ मामला दादाबू की जनरेशन तक पहुंचा, ठीक है, हमारे परदादा जी का नाम था बाबा हिदमत अली। अच्छा, उन्होंने कवाली से थोड़ा सा हटे, वो ठीक है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सीखा सरंगी का, करते वो भी कवाली थे, ठीक है, उसके बाद दादाबू के बाद फिर दादाबू का हाँ सब के साथ सारा, और उस दौर की नामवर जो कवाल थे जैसे मंजूर संतू साहब, जी जी, आसिफ संतू साहब के बाद, जी जी, साथ जी, 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 जी,
फिर रशीद फरीदी साहब होते थे एक, वो भी क्या बात, उस्ताद फतेह अली हाँ साहब के शागिर्द थे, हाँ साहब के वाले साहब के, जी हाँ वाले साहब के शागिर्द थे। उसके बाद यानी कि उस दौर के जितने भी नामवर कवाल थे दादा गुण ने उनके साथ टाइम गुजारा, ठीक है, हारमोनियम पे और वोकल्स पे। और वो जो कवाल ग्रुप थे, जो लीडर थे वो, उनके वो खुद चाहते थे कि ये आए इनके साथ हम काम करें, क्योंकि एक बंदा एक ग्रुप में ऐसा होता है कि एक तो उसकी बरकत होती है, दूसरी उसका करेक्टर ऐसा होता है, तीसरा उसका काम। बिल्कुल सही, ये तीन चीज़ें होती है ना कि जो जो किसी भी जगह पे जाके मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं उस जगह। उसके बाद हाँ साहब के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। उसके बाद हमारी जनरेशन जो दादाबू के बाद थी, वो हमारे ताया जी उस्ताद फैज अली फैज साहब, वो कव्वाली को अभी तक माशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें माशाल्लाह लंबी जिंदगी दें, वो कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं उसको। तो उसके बाद फिर ये मामला, ठीक है, तो ये सारा है सही उसका। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैन और जोहेब के जो वाले साहब थे, जाकिर नईम अब्बास साहब इनका नाम है, और इनके लिखे हुए कसीदे और कलाम जो हैं वो पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। सरदारी हुसैन दी जैन लोगों ने खुद भी गाया हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं या किसी मकतबे फिक्स हैं, वो ऐसा लिखा हुआ कलाम है कि जिसको अहले बैत से मोहब्बत है वो उसको इस कलाम के बारे में जानता है। हमारा वो पढ़ने का मकसद भी यही था, बिल्कुल हर बंदा सुने, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बात मैंने इसलिए की कि वो बहुत अच्छे शायर थे और वो हमेशा मदा सराई करते थे मोहम्मद वाले मोहम्मद की, और इसी के वसीले से शायद जोहेब बहुत अच्छा शायर भी है, लेकिन वो कभी इस बात को क्लेम नहीं करता, बिल्कुल वो कभी इस बात को पब्लिकली कहता नहीं है। ये उसकी अपनी वो है, आजजी समझ लें, उसका प्यारापन समझ लें, कि वो कहता नहीं है। और मुझे हमेशा से इस बात का इसलिए पता है क्योंकि शायद बहुत सारे लोग जो है वो वही देखते हैं जो रिलीज़ हुआ, उसकी वीडियो के क्रेडिट्स आ गए एंड पे, कि ये इसने लिखा था, ये इसने मिक्स किया, ये इसने मास्टर किया। लेकिन क्योंकि मैं पर्सनली ताल्लुक में रहा हूँ तो मुझे पता होता है कौन सी चीज़ इसका मिजाज है, तो ये इसी ने कही होगी। मुझे ये बताएं कि हैदरियम किसने लिखी थी? हैदरियम जोहेब ने लिखी है, और कंपोज भी जोहेब ने किया, कंपोज भी जोहेब ने किया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि अभी मुहर्रम में एक सलाम आया था, सोज आया था, वो किसने लिखा है? वो भी जोहेब ने लिखा था, कंपोज भी जोहेब ने किया, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि कोक स्टूडियो में आपकी अपीयरेंस हुई और क्यूबी के साथ आपका ट्रैक कोलैबोरेशन हुआ, क्योंकि बहुत बहुत खूबसूरत ट्रैक है और पूरी दुनिया को पता है और वो बहुत हिट भी हुआ, ठगियाँ जी, वो किसने लिखा था? वो जोहेब ने लिखा। अच्छा, मेरे लिए भी वो गाना लिख दो यार। नहीं, वो एक आपसे गाना लिखवाना हो तो आप कितने पैसे लेते हैं? भाई असल में ना मैनेजर से बात कर लीजिए। अच्छा, मैनेजर साहब ये आपने जरा ये क्यूरी है मेरी, ये आप देख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है मैनेजर से बात कर लीजिएगा जब भी लिखना होगा, क्योंकि मैंने पता ना तुम बड़े भरा ये ठगियाँ जो है ये जी चेंज ठगियाँ है। क्योंकि मैंने सीरियस चीज़ें जो है ना, खास तौर पे जो अकीदत से रिलेटेड चीज़ें, वो तो मुझे तकरीबन शुरू से पता है कि जोहेब करता है, जो है वो स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल है, तो वो मुझे शुरू से शायद आइडिया है कि जोहेब ऐसी चीज़ें लिखता है और कहता है इसके थॉट्स ऐसे हैं जी भाई। लेकिन ठगियाँ मैंने इसलिए पूछा कि ये यहाँ पर थोड़ा स्विच हो रहा है मामला। असल में ना ये भाई था, ये क्रेडिट जाता है जुल्फी भाई को। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब बुलाया ना हमें, उन्होंने बताया कि मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग इसमें आओ और मुझे कुछ सुनाओ जो जो बनाओ, तो ज़्यादातर उसमें कलाम ही थे। हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा करते ही कलाम है, तो मैंने कहा यार वो आपकी अकीदत है माशाल्लाह, वो मुझे पता है सारा, और वो आप कर चुके हो, बिल्कुल सही, क्योंकि आप अब जो भी कर लो शायद हैदरियम से ज़्यादा कुछ जो बात है नहीं कर सकते आप, तो मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा सा चेंज आओ। और ये पता था शुरू से कि क्यूबी ही हमारे साथ कोलैब कर रहे हैं? नहीं, ये ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पता था, और ये सब कुछ लिखा गया था उसके बाद फिर ये हुआ था। खैर, वो मैंने बड़ी कोशिश की, कुछ नहीं आया, ठीक है। इवन के मुझे ये लग रहा था कि किसी और से लिखवाना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है जो सीधी बात। मैंने जुल्फी भाई को भी बहुत दफा ऐसा कहा कि यार जुल्फी भाई नहीं आ रहा यार कुछ, वो कह रहे हैं नहीं तू कर लेगा तू करेगा, जैसे उन्होंने तो मैं देख लिया था अंदर से कि नहीं है दे अंदर कोई ऐसी शय। तो एक रात ना मैं दोस्त है रकीम हसन जैन यार की कर रहे हो कुछ नहीं वेले गड्डी कटो चली है। हम निकल गए स्वात कलाम उधर एक उशू फोर कलाम जाके कोई कलाम आएगा कलाम किया हमने। तो उधर ना एक बड़ी प्यारी सी एक जगह हमें मिल गई जहाँ हम स्टे कर लिया। तो मैंने इनको कहा यार तुसी मैनू ना जरा छेड़ना ना, ठीक है मैं जरा बैठा इजी हो जाओ, यानी कि सादा लफ्जों में कहा कि दहा हो ठीक है मैं काम करना है। तो ना उनको हैर थोड़ी सी वहाँ मिली तो सारी ना चीज़ें जेन से गुजरी कि यार क्या हो सकता है का? ठीक है तो वहाँ ये लफ्ज आया, ये भी बड़ी है चीज़ के, ये था अखियाँ ने मारे। अच्छा ठगिया नहीं था, ठीक है अखियाँ ने मारे सानू चन माइया तेरी अखियाँ ने अखियाँ ने मारे ये था, ठीक है। तो ये आया जेन में तो इसकी फौरी कंपोज बना के ना मैंने जैन को सुनाई, मैंने कहा जैन आया सुने तो फिर इसने जो जो इसको लगा के यार इसमें यार ऐसा कर दिया। ये एक और कंपोज थी वो भी इसको सुनाई मैंने, लेकिन इसका ना था कि यार ये ज़रा ना है उस टाइप की अच्छा लगेगा। तो वहीं से ना मैंने जुल्फी भाई को वॉइस मैसेज भेजा, सिग्नल नहीं आ रहे थे वो ई नहीं आता वो आ रहा एंड वाला इंटरनेट आंदा था ई फॉर एंड एंड वाला। तो वो मैंने कहा कभी तो जाएगा ना, ठीक है। मैंने वहीं पे ना वॉइस नोट करके भेज दिया उनको। वापस आए तो जैसे ही सिग्नल आए ना तो जुल्फी भाई के मैसेज आए कि यार तुम लोग मुझे पता है तुम बाहर हो कहीं, जैसे ही लाहौर वापस आना सीधा उधर आओ, ठीक है। मैं लाहौर आया तो सीधा उधर भाई, और रस्ते में ही ना ये डिस्कस होता रहा और चलता रहा अंतरे टाइप लिखे कि पता था जाके भाई ने यही कहना कि सुनाओ। खैर आए हम भाई को सुनाया तो इसके ना आता था अंतरे में कहीं जाके ना आता था ठगिया ने मारे। अच्छा ये लाइन कहीं अंदर थी शायरी में, अंदर थी ठगिया का लफ्ज था, ठीक है। तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मुर्तजा न्याज जंजुआ मुर्जी भाई तो वो भी पास बैठे हुए थे। तो कहते हैं यार इसका नाम क्या रखें, वो कहते हैं यार ठगिया रखो। तो उन्होंने ऐसा कहा ना तो मैंने कहा भाई तो ये अखियाँ की जगह अगर ठगिया कर दें वो बड़ा वो भाई ना जैसे होता नहीं वो उनको एक यही पॉइंट का वेट कर रहे थे। ये था यार स्टोरी मिल गई वो माशाल्लाह वो जैसे खुश होते हैं आपको पता है। तो ये फिर लिखा पूरा किया इसको, इसमें बड़े फेजेस आए। फिर एक दिन भाई की कॉल आई कि यार ये जो दूसरा अंतर है ना इसमें मुझे लड़की समझ आती है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कहते यार क्यों भी कैसे रहेगी भाई क्यों भी क्या बात कही यार क्या भाई ये हमारे लिए खुशकिस्मती है भाई, अगर वो हमारे ट्रैक में आ जाए तो चार चांद लग जाएंगे। और वो आ गई फिर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी आर्टिस्ट हैं क्यों भी एज अ ह्यूमन बीइंग कैसी हैं? यार हम पहली दफा हम वो जैम रूम जहाँ पे जैम्स हो रहे थे वहाँ पे हम गए, हमें बताया गया कि आपका इस दिन जैम है इस टाइम जैम है। हम पहले भी जहाँ हमारे जो जो क्यूबी से पहले हमारे जैम हो रहे थे उसी जगह पे हो रहे थे। तो उस दिन हम जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे गए तो आगे क्यूबी बैठी थी पहले जैसी एक तो हमारे लिए फैन मोमेंट था। हाँ। तो जा रहे वो माशाल्लाह है स्टार हैं वो जाहिर है उनका एक और है क्या बात इतना काम किया है क्या बात है वो इंतहाई हम्बल तरीके से मिली हमें क्या बात है झुक के असी भी अगो चुके असी ताड़े देख रहे हैं सुन रहे हैं हैर वो हमसे ज़्यादा उनकी मेहरबानी उनका बड़ापन है। हैर वो जैम शुरू हुआ उन्होंने कहा आप थोड़ा सा पहले सुना दें ताकि मैंने सुना होगा सारा कुछ मैंने रिहर्सल भी किया है लेकिन मैं थोड़ा सा लाइव जरा एक्सपीरियंस लेना चाहता ठीक है। हमने टूटा फूटा सुनाया उन्होंने जब वो शुरू हुई ना पहली लाइन कही मैंने कहा क्या कहना डन हो गया बहुत शदीद यूनिक वोकल टोन असर वाला पहली लाइन ही की उन्होंने सानू चंद माया वो वाली लाइन वही वहीं पे पैसे पूरे हो गए मेहनत पूरी हो गई नहीं यकीनन वो ट्रैक जैन अली ऐसा ट्रैक है कि मतलब
मेरे कहने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं, नहीं, नहीं भाई। लेकिन जिन्हें जिन्हें भी सुने और जो हमारे म्यूजिशियन सर्कल में जो पूरा है भाई, शुक्रिया। मुकम्मल ट्रैक अरे वाले से ना, कॉम्पोजिशन वाइज, पोइट्री वाइज, गायकी वाइज, और बेस्ट कोलैबोरेशन। अगर कोई फीमेल वोकल चाहिए ही था तो वो ऐसा ही होना चाहिए था जो उसके अंदर आया। अब ये हमारा ठीक है, कमाल। ये अब सोचने वाले का कमाल है कि वो क्या सोच रहे थे जुल्फी भाई उस टाइम कि यार यही होना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम अगर इसी तरह बातें करते रहें तो हम एक डेढ़ साल का पॉडकास्ट कर सकते हैं लगातार। नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि करते रहेंगे कुछ कुछ ऐसे। हाँ हाँ, कुछ कुछ टाइम के बाद अगर आपने दिल की बातें जो है, नहीं ये सफल भी हो सकती है ये चीज। सेम बिल्कुल, आप इधर होंगे मैं उत्थे होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर मैं तो फिर लीथल सवाल बना के मेरे लिए लेके आना। नहीं नहीं, तुसी बचो, मैं तो मुकर जावांगा। हाय ना ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रानी मुकर जा, आप लोग मेरे भाई जरूर हैं, लेकिन आप लोग इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप अब इस मुल्क के बहुत बड़े स्टार हैं भाई, और आपने टाइम निकाला मेरे इस पॉडकास्ट के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भाई मुख पे माइनल फैन लगी थी ताकि मेहरबानी कुछ मंगा दे। सानू चन माइया तेरी भुख ने भुखियां ने मारे उसमें भी है भुख लगी। अब हमें दोस्तों बहुत शदीद भूख लग रही है और मैंने बहुत देर से इनको जो है ना, आज मैं फुल खतरनाक किस्म का होस्ट बनया हुआ, कुछ नहीं खवाया थे, बस सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ होस्ट खवाई है ना। बस आप ये करें एक डिसेंट नोट पे, आप अपने एज फेलोज के लिए, अपनी जनरेशन के लिए कोई बात कहना चाहें तो एंड पे वो आप कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं एज आर्टिस्ट, एज सीनियर्स। सीनियर्स भी क्या, अभी हम खुद उसी एज में हैं, हम खुद जूनियर्स हैं। सही है, लेकिन जो सफ़र आपने अभी तक तय किया है जी, उससे कोई रिलेटेड कोई बात करना चाहें तो आप वो बात करें, और यही हमारी एंडिंग होगी, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा जी भाई। अब बस यही है भाई, आप सबके लिए हम खुद स्टूडेंट हैं, हम खुद सीख रहे हैं अभी, तो सिर्फ एक चीज़ ही है जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि जितना ओरिजिनल हो सके ना उतना करें, क्योंकि जो मर्जी कर लें आप, जिसका भी कर लें, सीखना तो उस्तादों से ही है हमने, लेकिन एक ओरिजिनल आपकी एक पहचान बना सकता है, तो वो करें, वो इंशाल्लाह वो अच्छा होगा। इंशाल्लाह।